बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको पता है कि मैं अलीपुर चट्ठा को शूट कर रहा हूँ। अलीपुर चट्ठा जो कि अकालगढ़ कभी कहलाता था, उसको मैंने विज़िट किया है। अकालगढ़ के बिल्कुल साथ ही एक हवेली है, उस हवेली के आनर साहब से हम जो है बात करेंगे और आपको बताएंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि राजा रणजीत सिंह के दौर में मौल राज मुग़ल जो था वो मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था, तो उसकी बहुत सारी खिदमात हैं राजा रणजीत सिंह के खालसा राज में उसको तरक्की देते हुए। तो आज मैं यहाँ पर हवेली में मौजूद हूँ। ये इंतहाई खूबसूरत हवेली है और इसके बहुत ज़्यादा कमरे भी हैं, तो इनके ऑनर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या तारीख है? ठीक है, इसकी कारीगरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, ये जंगला भी ठीक है जी, ये देख रहे हैं। इसके तीन चार मंजिलें थी, ठीक है, कुछ गिरा दी गई, खासी हालत थी उनकी, गिरा दी गई है। ठीक है ठीक है, अब ये चंद चीज़ें रह गए, कुछ हमने हिफाजत की भी है, लेकिन इतनी बड़ी है माशाल्लाह। एक कनाल में हम मजीद गए। अच्छा अच्छा ठीक है ना जी। हाँ जी, तो आज भी आपने इनको संभाल कर बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ है। ये देखिए लकड़ी उस दौर की। हाँ जी, ये पेंट वगैरह किया हुआ है, ये जंगला भी आप देख रहे हैं। ये पेंट करते रहते हैं। अच्छा, बारिश की वजह से ये जो है ना खराब है, लेकिन इसे पेंट करते रहते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। तो ये किस नाम से हवेली है यहाँ? ये मेरे दादाजी वली मोहम्मद और मेरे अबू मोहम्मद इसहाक मरहूम 11,700 रुपये में ये नीलामी में सप्लीमेंट से ली गई थी जी। अच्छा अच्छा, तो बंसी लाल की हवेली थी ये। तो आप मुहाजर हैं? हाँ जी मुहाजर, हम इंडिया के हैं जी। इंडिया के हैं? हाँ जी। ठीक हो गया जी। तो व्यूअर्स, आपने देखा इस हवेली को, मज़ीद इसको दिखाते हैं करीब से। इनकी जो लकड़ी, उस दौर की लकड़ी थी, आज भी कायम है, वो भी आपको दिखाते हैं, और इसकी साख्त आज भी कायम है। तो ये तो उस दौर की मुझे 12 दरी लग रही है। ये तीन दरें मेरी सामने हैं, तीन बैक साइड पे, तीन राइट और लेफ्ट हैं। तो ये 12 दरी की एक शक्ल है, तो अंदर से इंतहाई खूबसूरत। तो मेरे साथ रहिए, मज़ीद आपको दिखाते हैं। शुक्रिया सर आपका। ओके। हवेली जो कि दो मंजिला है, इसके ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा, और इसकी जाली जो है कहते हैं आज भी उसी तरह लगी हुई है। ये देखिए मुकम्मल लकड़ी से बनाई गई ये हवेली आज भी माजी की याद ताज़ा कर रही है। अंदर से कमरों की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं जी। देखिए तमाम काम लकड़ी से हुआ हुआ, बारीक ईंट से बनाई गई इनकी दीवारें, और छत देखिए आज भी उसी तरह कायम है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ पेंट ताज़ा किया गया है। दीवारें देखिए, दरवाज़े देखिए, हर चीज़ इनके मकीन बता रहे थे कि हर चीज़ उस दौर की आज भी इसको लगी हुई है। ये देखिए उस दौर का एक नक्श, और उससे पीछे हम एक और कमरे में अगर जाएं तो ये कमरा देखिए वाइट वाश किया हुआ है, और ये देखिए इसके आर्चिस अभी तक बने हुए हैं, और ये रोशनदान। उसके बाद एक और कमरे में अगर हम जाएं तो ये देखिए, यानी कि इसकी खासियत ये है कि कमरे के आगे कमरा है, और फिर कमरे से फिर आप बरामदे में निकल आते हैं। ये देखिए हम बरामदे में आ चुके हैं, और इसकी ये बालकोनी देखिए। इस बिल्डिंग का बैरूनी हिस्सा देखिए कि खालसा राज की जो है वो हमें आज भी याद ताज़ा करवा रहा है जी। राजा रणजीत सिंह के दौर में बनाया गया ये
ख़ूबसूरत हवेली नुमा बहुत बड़ा मकान दिखा रहे हैं आपको। ये आर्चीज देखिए, लकड़ी देखिए, आज भी कायम है। अब हम इसकी छत पर आ चुके हैं, छत से आपको व्यू दिखाएंगे जी अकालगढ़ का, यानी अलीपुर चट्ठा का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में आबादी थी, सिखों की, मुसलमानों की और हिंदुओं की। ये चलते हैं जी ऊपर और आपको व्यू दिखाते हैं। आज ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, ये देखिए जी, आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।